हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। डर तो सभी को लगता है, डर का सामना हमें करना पड़ता है। दुनिया में कुछ इतनी ज्यादा डरावनी चीजें हैं जिनके आगे भूत प्रेत आत्माएं कोई कहीं नहीं लगता। उसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं दुनिया की कुछ सबसे डरावनी फुटेजेस जो लोगों के पास से मिली। कुछ फुटेजेस तो इतनी ज्यादा डरावनी है जहां पर लोग मर गए, उसके बाद वो फुटेज रिकवर की गई और उसमें उनकी मौत के हादसात भी कैप्चर हो गए। चलिए करते हैं धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। आज का पहला वीडियो है द प्लेन क्रैश। किस्सा है अगस्त 1984 का, जब दो लोग प्राइवेट प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, लेकिन वो अचानक से गायब हो गए। काफ़ी दिनों के बाद एक बैकपैकर ने जंगल में उनके प्लेन का मलबा पाया और वहाँ पर उसे एक टेप भी मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में था। ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो थी वो उन्होंने एक VHS कैमकॉर्डर से की थी जो उनके प्लेन पर लगा हुआ था। हालांकि जो टेप बरामद हुआ उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसे बाद में रिपेयर किया गया और प्ले किया गया, तब जाके ये फुटेज सामने आई। फुटेज में देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे पहाड़ों वाला रास्ता था जिसका पायलट अंदाज़ा नहीं लगा पाया और उसने प्लेन को क्रैश कर दिया। लेकिन जो लास्ट मोमेंट था प्लेन क्रैश का, वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। दूसरा वीडियो स्टीवन मैकडेनियल का है। इस लड़की का नाम लॉरेन है। ये लड़की और स्टीवन मैकडेनियल नाम का लड़का, जो कि ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। दोनों ही पड़ोसी भी थे और ख़ास दोस्त भी थे। लेकिन लॉरेन को यह पता नहीं था कि स्टीवन छुप छुप के उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता है। एक्चुअली वो लॉरेन के लिए दीवाना था। जब उनकी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन खत्म होने आया, तब स्टीवन ने सोचा कि लॉरेन तो अब चली जाएगी। तब उसने सन 2011 में चुपचाप से लॉरेन के कमरे में घुसने का फैसला किया। वो अपने हाथों पर ग्लव्स और चेहरे पर मास्क पहनकर लॉरेन के रूम में घुस गया और उसने लॉरेन के साथ ज्यादती भी की और उसका मर्डर कर दिया। ये सारा बयान उसने पुलिस के सामने दिया जब वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। ये किस्सा बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज था। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप किसी को भी चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो जाकर प्रपोज करिए, और अगर वो मना कर देता है तो आगे बढ़िए। दुनिया बहुत बड़ी है, बट ऐसा रास्ता कभी मत अपनाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, द स्टॉकटन आर्सनिस्ट। किस्सा है स्टॉकटन कैलिफोर्निया का, सन 1989 का। जब एक ड्राइवर वहां से गुजर रहा था, उसकी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई। ड्राइवर ने साइड में पार्किंग की और वो हेल्प के लिए इधर उधर लोगों को ढूंढने लगा। तब उसे वहां पर एक जैकेट और जैकेट के अंदर एक वीडियो टेप दिखाई दिया। उसने उस वीडियो टेप को अपने साथ ही ले लिया और घर जाकर अपने VHS प्लेयर पर जब वो टेप चलाया तो उसके होश उड़ गए। उसने फ़ौरन ही पुलिस को कॉल किया और पुलिस की मदद मांगी, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा डरावना था, जहाँ पर एक घर जलता हुआ दिखाई दे रहा था और कोई दूर से उसे शूट कर रहा था। उन्होंने इस टेप को कई बार रिपीट करके चला के देखा, बट उनके समझ में नहीं आया कि आखिर ये घर क्यों चल रहा है और क्या इस घर के साथ में कोई इंसान भी चल रहा है। उसमें बार बार एक वर्ड यूज हुआ था। फिर पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां से ये जैकेट और टेप मिला था। हैरानी की बात ये थी कि उसी जगह से जादू टोने का कुछ सामान भी बरामद हुआ, पर अभी पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग पाया था। वो भी तलाश में थे कि शायद कुछ हमें हाथ लग जाए और पता चल जाए कि ये एग्जैक्ट कहाँ की लोकेशन है, आखिर ऐसा किसने किया और क्यों किया। फिर इस वीडियो को पब्लिक किया गया, अनसोल्ड मिस्ट्रीज नाम के एक शो में इसको दिखाया भी गया। उसकी मदद से कम ये पता चल पाया कि ये रेडवुड सिटी नाम की जगह का फुटेज है और ये घर वहीं पर स्थित है।
ऐसा ही सिमिलर एक फुटेज और मिला था जिसका नाम कुछ और था, बट अगर दोनों को साथ में रखकर कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये एक ही जगह का फुटेज है। रेडवुड सिटी के एक पुलिस ऑफिसर मार्क पोलो बताते हैं कि उन्होंने इसके रिगार्डिंग दो लोगों को अपनी कस्टडी में लिया है। एक तो ये बंदा है जो ये मास्क पहना हुआ है और दूसरा एक लड़का और है जो 18 साल से भी कम का है। इनमें से एक को मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया, बट आज भी ये मिस्ट्री है कि आखिर जो नाम ओमर लिया गया था वो कौन था। अगला फुटेज है खदान में हुआ हादसा। This is going to America's funniest when somebody falls. That's a good idea. All right. Oh, that's the table. Don't touch that. कई खदानें ऐसी होती हैं जहां पर काम होने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से बंद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो ऐसी ही खुली पड़ी रहती हैं और जो बहुत ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस भी होती हैं। ये फुटेज सन 1998 का है जब कुछ दोस्तों ने एक सुनसान पड़ी हुई माइन में यानी खदान में जाने का फैसला किया। जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं एक रस्सी नीचे की तरफ लटक रही है, लेकिन वो ये सोचते हैं अगर हम नीचे गए तो वापस कैसे आएंगे। वो अंदाजा लगाते हैं कि रस्सी तकरीबन 30 फीट लंबी होगी। उसमें से एक बंदा नीचे उतरने की हिम्मत करता है। और फिर कुछ ही सेकंड के बाद में रस्सी टूट जाती है और वो बंदा तकरीबन 65 फीट नीचे गिर जाता है। उसके दोस्त घबराहट में आवाज भी लगाते हैं और नीचे से हेल्प की आवाज़ भी आती है। बंदा पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है। बाद में स्पेशल फोर्सेस आती हैं और उसको बचा लेती हैं और वो जिंदा रहता है। ये रही लिप्स की। ये ब्लू होल नाम की एक जगह है जो मिस्र के रेड सी में स्थित है। डाइवर्स की यानी गोताखोरों की ये बहुत ज़्यादा फेवरेट जगह है। यहाँ पर ऑलमोस्ट डेली कई गोताखोर पानी के अंदर डाइविंग करते हैं। यूरी लिप्स की एक रशियन डाइवर इंस्ट्रक्टर हैं जो यहाँ पर गोता लगाने की हिम्मत करते हैं और वो अपने साथ एक कैमरा ले जाते हैं जो नीचे डूबने लगते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपको हेल्प जैसी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। वो बहुत तेज़ी से पानी के अंदर डूबते चले जाते हैं। तकरीबन एक मिनट में वो 100 मीटर की गहराई में डूबने लगते हैं। अपने बचाव के लिए वो अपने सारे ही उपकरण उतार कर फेंकने लगते हैं ताकि उनका वज़न हल्का हो सके, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो डूबते चले जाते हैं और नीचे सरफेस पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जाने के बाद उनकी मौत हो जाती है। जब रेस्क्यूअर उन्हें ढूंढते हैं तब उनकी लाश मिलती है और साथ में ये कैमरा भी उन्हें दिखाई देता है जिसका ये फुटेज है जो हम ये इस वक्त देख रहे हैं। इसलिए लोग कहते हैं आग, पानी और हवा, इनके साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए। ये तो खुद एक डाइवर इंस्ट्रक्टर थे जिनके साथ ये हादसा हुआ और इन्हें अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़े। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जो भी करें बहुत संभल के करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। रिकार्डो लोपेज। ओके, आई एम रेडी टू रोल। द मैनेजर इज डाउनस्टेयर्स, दैट्स अ प्रॉब्लम। किसी भी सेलिब्रिटी को पसंद करना या चाहना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन क्या हो अगर कोई उसके लिए पागल ही हो जाए। ऐसा ही कुछ रिकार्डो के साथ हुआ। रिकार्डो एक बहुत ही शर्मीले किस्म के इंसान थे। अक्सर वो लड़कियों से बात करने तक में घबराते थे। फिर 1993 में वो एक आइसलैंडिक सिंगर बी यॉर्क के प्यार में पागल हो गए। वो सुबह शाम दिन रात सिर्फ बी यॉर्क के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उनकी हैबिट्स, उनकी पसंद नापसंद के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ तक कि वो अपना दिमागी आपा भी खो बैठे। वो डेली एक डायरी लिखा करते थे। उनकी डायरी में उन्होंने लिखा कि मैं एक टाइम मशीन बनाना चाहता हूँ ताकि मैं 1970 के दशक में जाकर उस लड़की से दोस्ती कर सकूँ। और भी अजीब चीज़ें इस डायरी में लिखी हुई मिली। बी यॉर्क के प्यार में उन्हें 3 साल गुजर चुके थे। वो सिर्फ उसी के बारे में सोचा करते थे।
बी यॉर्क एक सेलिब्रिटी थी और उनके सह कलाकार के साथ में उनका अफेयर भी चल रहा था, जिससे ये बंदा बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ और इसने कहा कि मैं उसे बहुत पनिश करूँगा। फिर इन्होंने अपनी वीडियो डायरी स्टार्ट की, यानी कि अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट की, जिसमें इन्होंने कहा कि बी यॉर्क को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो किसी और के प्यार में कैसे पड़ सकती हैं। फिर उसने एक डिवाइस बनाया और उस डिवाइस को बी यॉर्क के घर पर पोस्ट कर दिया। ये वाकई में पागलपन की इंतहा थी। और ये कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये बंदा जब पोस्ट ऑफिस से इसको पोस्ट करके आया, तब ये अजीबोगरीब तरीके का पेंट अपने चेहरे पर लगा कर आया था, और फिर उसी दिन इसने अपनी भी जान ले ली, यानी कि सुसाइड कर ली। बाद में पुलिस को ये सारी फुटेजेस और ये सारी डायरीज इसके घर से मिली थी। पुलिस ने फौरन ही बी यॉर्क को भी इत्तला किया कि आप बिल्कुल भी पार्सल को ना खोलें। बी यॉर्क को जब पूरा इंसिडेंट पता चला तो उन्होंने कहा कि यह सुनकर मैं काफ़ी स्ट्रेस में हूँ। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।